नमस्कार दोस्तों, अजय थ्री डीज़ के और एक वीडियो में आकर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेस मैंने दो दिन पहले जो वीडियो बनाया था एसजीएस निफ्टी और डाउनलोड्स के बारे में, जिसके मैंने लेवल लिया था आपको एसजीएस निफ्टी का वन डे के चार्ट में 18,364। तो अब यहाँ पर चेक करोगे तो उसने ये लेवल अचीव कर लिया है, और अभी उसका दूसरा लेवल मैंने अपसाइड में दिया था 18,500 के करीब जाने की कोशिश करेगा। तो आज हमारा मार्केट क्लोज है, लेकिन एसजीएस निफ्टी अभी चालू है, तो हम अभी शाम तक देखते हैं कि ये क्या होता है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मैं राइट टाइम पे देखता हूँ 11 बजे के आसपास, तो वो एक शूटिंग स्टार के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है अभी, लेकिन देखते हैं आपको क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, और डाउ जोन्स के बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको बोला था वन डे के चार्ट में कि उसका पहला लेवल आएगा 32,840, और दूसरा लेवल आ सकता है 33,200 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर चेक करोगे तो उसने पहला लेवल अचीव कर लिया है फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखते हैं निफ्टी ने लास्ट मंडे को यानी सोमवार को क्या किया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने वन डे के चार्ट में आपको बोला था कि निफ्टी अगर 18,200 ब्रेक करेगा, 220 के ऊपर जाएगा, तो उसका टारगेट आ सकता है 18,300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने लास्ट सोमवार को 18,255 उसने हाई मारा है, और मैंने लेवल दिया था 18,257 यानी 300 के आसपास। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, जो उसका सपोर्ट का काम कर सकती है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके उसने बाउंस बैक मारा है फ्रेंड्स निफ्टी 50 ने लास्ट मंडे को यानी सोमवार को। ओके फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं वन डे के चार्ट में निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स आने वाले दिन में। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी क्लोज करता हूँ। अभी देख लेते हैं वन डे के चार्ट में अभी उसका टारगेट क्या आ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है सोमवार को, और आज मंगलवार को छुट्टी है, तो अभी कल मार्केट हमारा ओपन होगा। तो कल मार्केट ओपन होता है, इससे पहले एसजीएस निफ्टी और डाउन जोन्स क्या करते हैं उसके ऊपर हमारा मार्केट डिपेंड रहेगा कि गैप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होता है। फिर भी हम वन डे के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि अभी उसका इस कैंडल के ऊपर जाता है यानी ये जो कैंडल बनाई है उसका हाई है मिनिमम 18,255। अगर उसके ऊपर जाता है और सस्टेन होता है तो उसका टारगेट नेक्स्ट टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में 18,340 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी 50। और अगर उसके ऊपर भी चला जाएगा तो 18,500 का टारगेट है अल्टीमेट उसका वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स निफ्टी का। वैसे ही फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स कि अगर ई जोन को वो ब्रेक करेगा यानी मैं जो लेवल दिया था आपको वन डे के चार्ट में देखते हैं फ्रेंड्स हम 41,482 और 41,500 के ऊपर अगर निकलता है तो मैंने टारगेट आपको पहला टारगेट दिया था 41,650 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स 41,800। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो बैंक निफ्टी में ये वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स लास्ट सोमवार को 41,780 के करीब उसने हाई मारा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम वन डे के चार्ट में देख लेते हैं आज मार्केट हमारा क्लोज है, लेकिन कल क्या हो सकता है। तो कल उसका इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल था यानी 41,780 है और उसका क्लोजिंग हुआ है 41,686 में क्लोजिंग हुआ है। और अगर बाई चांस ये ऊपर निकलता है इस हाई को ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहला 41,840 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,900 और 42,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी। आइए अभी देख लेते हैं 15 मिनट की चार्ट में इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। कल यानी आज मंगलवार है, आज मार्केट हमारा क्लोज है यानी अब सीधा आएगा बुधवार को फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे तो 15 मिनट की चार्ट में उसने गैप ओपन किया था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने और वहाँ से सीधा नीचे आया, और यहाँ पे उसने ये जो है उसको सपोर्ट लेके ये आई थिंक ये 51 डे का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, उसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर से जहाँ पे क्लोज हुआ है जो हाई मारा है उसने वहाँ तक जाके उसने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में 41,686 पे उसका क्लोजिंग है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। अगर फ्रेंड्स सोमवार को जो जिस तरीके से चार्ट बनाया है उस तरीके से हम 15 मिनट की चार्ट में एनालिसिस करते हैं
तो फ्रेंड्स यहाँ से एक ट्रेन लाइन ऐसे जा रही है, ये एक चैनल बन गई है फ्रेंड्स यहाँ पे अप साइड में। और डाउन की साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं तो ये चैनल है, लेकिन ये कुछ काम की नहीं है। मुझे लगता है ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल से फंस हुई है। अगर बुधवार को फ्रेंड्स मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए नॉर्थ रीडिंग जोन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, अगर बुधवार को फ्रेंड्स इसी जोन में ओपन होता है हमारा बैंक निफ्टी, यानी अपसाइड में रहेगा फ्रेंड्स 41,800 और डाउन की साइड में रहेगा फ्रेंड्स 41,540 और 686 पे उसका क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद फ्रेंड्स अपसाइड में ये 41,800 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में। अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 41,540 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आ सकता है 41,450 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,350। और अगर फ्रेंड्स अपसाइड में अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 760 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहले 41,840, दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,950। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का 15 महीने की चार्ट में। अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स 15 महीने की चार्ट में बुधवार के लिए। इसको मैं निकाल लेता हूं फ्रेंड्स जो हमारे कुछ काम का है नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स 15 महीने में निफ्टी का हमारा चार्ट। अभी हम नॉर्थ रीडिंग जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स 15 महीने की चार्ट में। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें इसी जोन पे ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स निफ्टी में, कि वहाँ पे होता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरफ वो मुड़ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 18,200 के पास का क्लोजिंग हुआ है। अगर अपसाइड में मैं नॉर्थ रीडिंग जोन का लाइन ड्रॉ करूँ तो अपसाइड में 221 और अगर डाउन की साइड में मैं बोलूँ तो 150। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया निफ्टी में नॉर्थ रीडिंग जोन। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होती है निफ्टी और अगर ओपन होने के बाद डाउन के साइड में ब्रेक करता है 18,150, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, सॉरी राउंड फिगर नीचे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ब्रेक करता है 18,150 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 18,100 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स ये वाला जो लो मारा है उसने सोमवार को, यहाँ तक जा सकता है फ्रेंड्स जिसका लोअर है 18,7450 के करीब। ओके, और अगर फ्रेंड्स अपसाइड में 18,220 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहला इसके अंदर को टच कर सकता है जिसका लोअर रहेगा 18,255 और उसके बाद का टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 15 मिनट में 18,300। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी हो या निफ्टी अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कुछ टाइम पर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन का बुधवार के लिए एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।